सो गाइज, ये है हमारी आज की ब्राइड। जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही होगा, तो मैं आज इनसे इनका रिव्यू लूंगी कि इनको कैसा फील हुआ, क्या हुआ, मतलब कब इनको ऐसा लगा कि मुझे ये क्रॉस ड्रेसिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको यहाँ आके कैसा फील हुआ। यहाँ के सबसे पहले मैं बहुत अच्छा लगा था, जब बिल्कुल प्राइवेसी है यहाँ पे, कोई कुछ ऐसा नहीं है। ये तो मैं अपने बोलूँगी सब्सक्राइबर्स को, और जो डरते हैं यहाँ आने के लिए, आप प्लीज़ बिल्कुल मत डरिए, यहाँ 100% प्राइवेसी है। ये भी पहले नर्वस थे, बट अब ये सेटिस्फाइड है यहाँ पे आके, इनको प्राइवेसी मिली है। सो बताइए कि मतलब मोस्टली लोग ये जानना चाहते हैं कि क्रॉस ड्रेसिंग आपको कब से फील हुआ, मतलब आपको ऐसा लगा कि कब करना चाहिए आपको। मैम, सबसे पहले तो जब हर किसी को पता होता है कि मुझे ये लोग चाहिए ही चाहिए, मुझे ऐसा करना ही है, लेकिन लोग घबराते हैं। मैं भी शुरू में बहुत नर्वस था, डर लग रहा था, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल है। जिनके भी मन में है उनको एक बार क्रॉस ड्रेसिंग करनी चाहिए। बट वो फैमिली के डर से नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोग लोगों का सोचते हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप एक बार एटलीस्ट अपने मन का कीजिए। अगर मेरे मन में कुछ है तो मैं वो करूँगी, और ये कोई गलत काम नहीं है, आप मानते हैं इस बात को? जी मैम, बिल्कुल कोई गलत काम नहीं है, जी सपना है तो जरूर पूरा करना चाहिए। हर कोई अपने ड्रीम पूरा करता है, हर कोई। तो अगर ये चीज़ भी कर रहे हैं तो लोगों को पता नहीं क्या थिंकिंग है कि ये चीज़ गलत ही है। अगर आप कुछ और कर रहे हैं तो आप वहाँ पे गलत चले जाते हैं, राइट? जी मैम, बिल्कुल। तो आपका ये किस एज में स्टार्ट हुआ था? मैम, रियलिटी में तो ये मेरा 14 साल से शुरू हुआ था। ओके। लेकिन मैं किसी से कह नहीं पाता था कि मैं कैसे अपने दिल की बात किसी को शेयर करूँ। तो ये जो 14 साल से आप बता रहे स्टार्ट हुआ, तो ये मतलब क्या था आपका, मतलब क्या देख के आपको लगा कि मुझे ये करना चाहिए? 2014 में हमारे सबसे बड़े भाई की शादी हुई थी, तो पता नहीं उस टाइम से क्या हुआ था, जब मैंने फर्स्ट टाइम दुल्हन को देखा था, तो बस जब से मैं कि हाँ मुझे भी एक बार ये करके देखना। अच्छा, तो वो करके फिर अब आपका ये ड्रीम आपने पूरा किया है। तो कितना साल लगा आपका ये ड्रीम पूरा करने में? हम करीबन 9 साल लगे, क्योंकि कह नहीं पाता कि कोई क्या कचाता है। मतलब एक तो ये है कि महिला जो लेडीज होती है उनको बोल नहीं पाते हैं, और फिर ना कोई ऐसा मतलब लड़का हो कि लड़की में ट्रांसफर करना, ये भी हर कोई पसंद नहीं करता है। क्योंकि जितने भी हमारे मेक ओवर आर्टिस्ट हैं वो ज्यादातर लड़कियों का ही दुल्हन मेकअप करते हैं। ये तो है। तो आपको ये मेरा इंस्टाग्राम से ही मिला? जी मैम, आपका इंस्टाग्राम से मिला था। ओके, तो ये सुंदरी हैं, इनकी खुशी बता रही है आपको, पता लग ही रहा होगा ये कितने खुश हैं। तो आपका आज हम नामकरण कर देते हैं, तो आपको किस अल्फाबेट से अपना नाम चाहिए? किसी से भी, फिर भी एक होता है ना कि मेरा ये सपना होगा कि मैं लड़की बनके ये नाम रखूंगी, तो आपका क्या है? ऐश्वर्या था मेरा जो बचपन का नाम था। सो नामकरण हो चुका है, इन्होंने अपना नाम ऐश्वर्या रखा है, और ये सच में बहुत ही ऐश्वर्या ही लग रहे हैं। ऐश्वर्या मतलब सुंदरता ही होती है, तो ये सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे तो पर्सनली। अब आपका पता नहीं, क्योंकि हर किसी को हर चीज़ पसंद नहीं आती है। तो आपको कैसा लगा मेरा मेकओवर? मैम, बहुत अच्छा था। अच्छा लगा? तो मतलब कहीं कुछ कमी वगैरह लगी? कहीं पर भी कोई कमी नहीं, बिल्कुल जैसा चाहता था ऐसा ही हुआ है। तो इन्होंने मुझे बता दिया था कैसा करना है, तो वो चीज़ मैंने इनको करी है, और शायद मैं सक्सेस भी रही जी मैम, बिल्कुल ये करने में, और ये बहुत खुश हैं। और इनको बहुत नर्वस था कैमरे में आने के लिए, बट इनको मैंने समझाया कि आपका पहले का फेस रिवील नहीं होगा, आफ्टर मेकअप होगा, तो जाके कन्विंस हुए। तो आप जैसे कि लोग सोचते हैं कि कहीं बिना पूछे वीडियो फोटोग्राफी हो जाती है, क्या आपको यहाँ ऐसा कुछ लगा? नो मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है आपको। सो गाइज, बिल्कुल मत डरना कि ऐसा कुछ अपलोड हो जाएगी अगर मैं फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, क्योंकि आपकी प्राइवेसी मेरी प्राइवेसी है। अगर आप ही सेफ रहेंगे तो मैं भी रहूँगी, क्योंकि लोग मुझे भी गलत समझेंगे। सो तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी गलत मत लीजिए, और एक बार विजिट कीजिए आके, उसके बाद
अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी जब फर्स्ट टाइम आए थे तो इनको भी नर्वसनेस हुई थी, बट अब ये एकदम ही ठीक है, इनको अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ना कोई डर लग रहा है। और ये ऐश्वर्या जी एकदम खुश भी हैं इस चीज़ को लेके। बस ये बहुत कम बोलती हैं, शायद ये शाये हैं पहले से, बट ठीक है, लड़की को थोड़ा सा शांत स्वभाव होना चाहिए। जी हाँ, हालांकि होता नहीं है, वो लड़कियाँ बोलती बहुत है। हाँ, अब मुझे देख लो जी। तो अब थोड़ी अदाएं दिखाओ लड़कियों वाली। ये नहीं, ऐसे करो, आंखें नीचे झुकाओ। देखो गाइस, ऐश्वर्या की ब्यूटी। सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी बहुत ही पसंद आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही बहुत सारा प्यार देते रहें। सो बाय बाय करें, बाय। सो गाइस, आज जो मेरे क्लाइंट हैं, जो कि ऐश्वर्या हैं, वो आज आउटिंग पे भी जाने वाली हैं, लेकिन इस गेटअप में नहीं, हम गेटअप चेंज करके जाएंगे। तो आप नर्वस हैं बाहर जाने के लिए? No. मतलब एकदम कॉन्फिडेंस है कि आप आउटिंग कर सकते हैं? mm-hmm. तो आप हंसते क्यों नहीं हैं? आप हंसिए, थोड़ा सा नज़ाकत दिखाइए। कैमरे में है तो क्या हो गया, आप हैं तो मेरे सामने ही ना ऐश्वर्या जी। जी। सो गाइज, हम आउटिंग करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे क्या होगा, ये कितना नर्वस होंगी या नहीं होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसा लगा? बहुत प्यारा लुक है। आप आउटिंग के लिए रेडी हैं ऐश्वर्या? जी। आई क्लोज कीजिए एक बार। कोई नर्वसनेस तो नहीं हो रही? ना। अब देखते हैं बाहर के लोगों का रिव्यू कैसा होगा, लोग कैसे देखेंगे आपको। ठीक है, अभी हम चलते हैं। सो गाइज, हम आउटिंग के लिए रेडी हो चुके हैं, ये कार में बैठ चुकी हैं और हम जा रहे हैं आउटिंग पे। कैसा लग रहा है, नर्वस? जी हाँ।